गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन स्कूल ब्रह्मतार समाज चा शमुआरा कुमारिया में रेस्क्यू 1122 कुमारिया की जानब से ज़िंदगी बचाओ प्रोग्राम के हवाले से दो महलों में तरबियत का अहतमाम किया गया, जिसमें सरबरा बशीर अमर बानी असाज़ा कराम इंतजामी व मुआवन अराकीन ने शिरकत की। रेस्क्यू की जानब से मोहम्मद अमजद ने इस हवाले से ज़बानी और मल्टी मीडिया के जरिए मुफीद मालूमात फराहम की। उन्होंने अमली तौर पर हंगामी सूरत हाल में जान बचाने के हवाले से अमली मुजाहरा किया। उन्होंने बताया अगर किसी को अचानक दिल का दौरा पड़े और हरकत कल्ब भी महसूस ना हो रही हो या कोई शख्स बेहोशी की हालत में पाया जाए तो फौरी तौर पर इसकी सांस बहाल करने के लिए इकदाम उठाए जाए और फौरी तौर पर रेस्क्यू 1122 या एम्बुलेंस को फ़ोन किया करना चाहिए। उन्होंने अमली मुजाहरा किया और सवालात के जवाब भी दिए। इस मौके पर बताया गया किसी सड़क हादसे की सूरत में अगर कोई शख्स पड़ा मिले जिसका खून बह रहा हो तो पहले फौरी तौर पर रेस्क्यू 1122 को इतला दें और जाए वकूफ़ बताएं, फिर वो मकाम तलाश करें जहां से खून बह रहा हो। एक साफ कपड़ा तय करके खून बहने के मकाम पर दबाएँ और उस वक्त तक दबाते रहें जब तक खून बहना बंद ना हो जाए। अगर ज़ख्म गहरा हो साफ कपड़े का गोरा सा बनाकर जख्म में भरा जाए। इसका अमली मुजाहरा भी किया गया। रेस्क्यू की जानब से मोहम्मद अमजद ने बताया कि हर फर्द को हिफाजती इकदाम के हवाले से मालूमात ज़रूर होनी चाहिए और इसकी तरबियत भी लेनी चाहिए। उन्होंने मज़ीद बताया कि आइंदा साल जनवरी में मुतासमा तलबा और तालबात और असाज़ा के लिए एक तफसीली तरबियत का अहतमाम किया जाएगा। लहराता रहे परचम हमारे पाकिस्तान का, पाकिस्तान जिंदाबाद, चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन।